Hello students, last video we have complete exercise 2.2. Today we start exercise 2.3. Question number first, find the remainder when s cube plus 3x square plus 3x plus 1. आपको remainder finds करने हैं. The factor is the divide by x equal to x plus 1. Question number first, 3x given s cube plus 3x square प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइड बाय x प्लस 1. नाउ x प्लस 1 से डिवाइड करना है तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1, देन पुट द वैल्यू x इक्वल टू माइनस 1 इन पॉलीनॉर्मस. पॉलीनॉर्मस का शॉर्ट फॉर्म क्या बताया था मैंने, आप इक्वल टू पी एक्स. नाउ पी इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1. लुक हियर, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 3 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस 3 3 माइनस 3 प्लस 1. माइनस 3 प्लस 3 कट, माइनस 1 प्लस 1 कट, इक्वल टू 0. आपको क्या पूछा, फाइंड द रिमाइंडर. तो रिमाइंडर यहाँ पे जो आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा. हियर द रिमाइंडर इज द 0, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0. सो रिमाइंडर इज 0. अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा. पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ एस की क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. पॉलीनॉर्मल्स है, उसी पॉलीनॉर्मल्स का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, पी एक्स होता है. तो पी एक्स इक्वल टू एस की क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज द डिवाइड बाय, किसे करना है, x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1. पुट द वैल्यू x इक्वल टू माइनस 1 इन द पी एक्स. पी एक्स के अंदर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो p माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 3 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 3 माइनस 3 कट हो जाएगा, आंसर क्या, 0. तो द रिमाइंडर इज द 0. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम थिंग, उसी में पी एक्स दिया हुआ है एक्स इक्वल टू माइनस 1. पी एक्स सेम है एस की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. पुट द एक्स इक्वल टू माइनस 1, एक्स इक्वल टू माइनस 1 पुट करना है, मतलब इसे डिवाइड करना है, इक्वल टू 0. तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2. माइनस 1 अपॉन 2 लेफ्ट साइड जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2. देन पुट द वैल्यू x इक्वल टू माइनस 1 इन पी एक्स. नाउ p माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1. नाउ माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 2 3 क्यूब, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 8. तो ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1. हियर माइनस 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई करोगे 3 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 1. टेक द एलसीएम. अब क्या लोगे इसका एलसीएम, माइनस 8 3 अपॉन 4 माइनस 2, तो 8 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ 8 4 और 2, आंसर क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा, 8. हियर माइनस 1 अपॉन 8 सेम एट इट इज प्लस 3 अपॉन 4 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अपॉन 2. माइनस 3 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 अपॉन 4 प्लस 1 है, तो इससे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8. अंडरस्टूड, समझ में आ गया होगा, मतलब 8 4 और 2 का यहाँ पे 1 है, उसके नीचे कोई डिनोमीटर नहीं है, तो इसको सपोज क्या करोगे, 1. अब इसका एलसीएम लोगे तो 8 आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो माइनस 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा माइनस 12 प्लस 8
upon 8. Here minus 1, minus 12, first minus minus, minus 13, plus 8 of 4, 16 upon 8 equal to minus 13 plus 14 equal to 1 upon 8 is your answer. अंडरस्टूड. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर हमेशा जीरो है, रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है. हियर आंसर क्या आया, 1/8. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम थिंग. फर्स्ट आई चेक योर आंसर. 27/8 आ रहा है. वेट, थ्री का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 8, 3 का 4, और 3 सा 4, माइनस 3/2 1, 8 और 4 का एलसीएम 8, 4, 3/2 4, माइनस 1 का क्यूब, 3/4 स्क्वायर है, 3 1 जा 3, माइनस 3/2 प्लस 1, माइनस 8, 3 4 जा, माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन एलसीएम है 8, 8 लोगे तो माइनस 1/8 इट इज, 3 में 4 8, 3 2 जा 6, 3 माइनस 12 एंड प्लस 8. नाउ माइनस 1 प्लस 8 12 16, 1/8 ही आएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. x, अब पी एक्स इक्वल टू क्या लेना है आपको, सीधा x लेना है, x से डिवाइड करना है. तो x यहाँ पे सीधा ये दिया होता है, x इक्वल टू क्या लोगे, जीरो. क्या पुट करोगे, x से डिवाइड करना है, यानी x इक्वल टू क्या पुट करोगे, जीरो. देन p इक्वल टू जीरो, जीरो का क्यूब प्लस 3, जीरो का स्क्वायर प्लस 3, जीरो प्लस 1, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस 1. तो आंसर क्या आया, 1. रिमाइंडर क्या हुआ इसका, 1. नेक्स्ट, x इक्वल टू पाई, x प्लस वाई पाई इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई. x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पाई. माइनस पाई की वैल्यू पुट करो, मीन्स x की प्लेस पे क्या पुट करना है, माइनस पाई इक्वल टू माइनस पाई का क्यूब प्लस 3, माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1. माइनस पाई का क्यूब, माइनस पाई क्यूब, माइनस माइनस प्लस 3 पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1. ये आगे सॉल्व नहीं होगा, दिस इज योर आंसर. ये क्या हो जाएगा आपका आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम थिंग. 5 इक्वल टू 5 प्लस 2x है. फाइव प्लस टू एक्स, तो फाइव प्लस टू एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, जीरो. टू एक्स उससे रहेगा, फाइव को उससे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस. टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस फाइव अपॉन टू. अब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करोगे और यू गेट द आंसर. आपको क्या मिल जाएगा, आंसर. अंडरस्टूड, सारे इजी क्वेश्चन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द एस की क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए डिवाइड बाई x माइनस ए. एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है. क्वेश्चन नंबर 2, एस के क्यूब माइनस ए एस स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो. तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ए. एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस ए. अब नाउ द पुट द वैल्यू, एक्स की प्लेस पे क्या पुट करोगे, ए. ए की क्यूब माइनस ए, ए का स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस ए. हियर ए की क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, ए की क्यूब प्लस 6 ए माइनस ए.
प्लस क्यू माइनस ए का 6a माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a, तो पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 5a। अंडरस्टूड, तो रिमाइंडर क्या बना इसका 5a। सेम थिंग क्वेश्चन नंबर थर्ड, चेक द वेदर फैक्टर ऑफ पी एक्स, आपको ये दिया हुआ है 3s की क्यूब प्लस 7x इज द फैक्टर है या नहीं है वो चेक करना है। तो फैक्टर है यानी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए आपको 0। तो फैक्टर क्या दिया हुआ है 7 + 3x = 0। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ था वो सेम इट इज़ है, सिर्फ वैल्यू डिजिट चेंज है। तो क्या लिखोगे 3x = क्या आ जाएगा -7, x = क्या आएगा -7/3। 7 + 3x, 3x सेम का 7 को उससे लेके गए माइनस, अब 3 का मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो उससे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड फॉर्म। नाउ पुट द वैल्यू -7/3, 3 -7/3 का क्यूब प्लस 7 -7/3। अंडरस्टूड, समझ में आ गया 7 का क्यूब माइनस, अब नाउ 3 प्लस का माइनस का क्यूब क्या होता है माइनस, इनटू 7 का क्यूब होता है 343 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब क्या होता है 27 -49/3। माइनस 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 प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 9 × 12 कैरी 1 9 और 10 110/27 -49/3। अब 27 और 3 का क्या लोगे एलसीएम, क्या आएगा एलसीएम 27, एलसीएम ऑफ 27 एंड 3 क्या आ जाएगा 27। नाउ -1029 27 -49/3 मल्टीप्लाई बाय 9 × 9 -1029/27 -99 = 81 कैरी 8 9 4 = 36 36 or 8 44/27 माइनस माइनस प्लस 109 × 10 कैरी 1 4 or 2 6 6 or 1 7 0 and 4 4 1 -1/27 दिस इज योर आंसर। अंडरस्टूड, इसमें आपको ये चेक करना है कि इसका फैक्टर है क्या नहीं है। अब इसका फैक्टर क्या आएगा, इसमें आंसर आ रहा है 0, क्यों इसका फैक्टर क्या हो गया, अगर 0 होता तो इसका फैक्टर है, अगर 0 नहीं है तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा नो। अंडरस्टूड, वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखो 3x² + 7x 7 + 3x = 0, तो x 3x 7 को उधर लेके जाओगे माइनस -7/3 7 उधर गया 3 का डिवाइड हो जाएगा -7/3। पुट द वैल्यू एस की प्लेस पे -7/3 × 3 × 7 × -7/3 3 का स्क्वायर 7 का क्यूब क्या होगा 343 27 -49/7 7 × 49/3 इसको सॉल्व करोगे 1029 27 -49/3 इसका एलसीएम लोगे 27 1027 -49/3 × 9 इज द सॉल्व एंड सो इसका फैक्टर क्या आएगा नो। तो आंसर क्या लिखोगे नो इट इज़ नॉट ए फैक्टर। क्या आ जाएगा नो इट्स नॉट फैक्टर। फैक्टर होगा तो उसका आंसर हमें क्या आना चाहिए 0, इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है तो आप क्या लिखोगे इट इज़ ए नॉट फैक्टर। अंडरस्टूड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 हैज कंप्लीटेड, नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 2.4। पॉइंट फोर, डिटरमाइन द विच इज द फॉलोइंग द पॉलीनोमियल हैज़ द एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर। सेम इज 2.3 में जो किया था एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर। देयर आर द 4 क्वेश्चन, आई डू द ओनली 1 क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन यू डू योर सेल्फ। जैसे पी एक्स दिया हुआ है फर्स्ट का फर्स्ट फोर्थ करा रही हूँ मैं, सेट इट इज़ जो 5.2.2 में किया था 2.3 में किया था वही वैल्यू है सेम टू सेम।
तो मैं करा रही हूँ पी एक्स इक्वल टू फोर्थ नंबर एस की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू। नाउ इसका फैक्टर क्या दिया है, एक्स प्लस वन फैक्टर पूछा है। अगर फैक्टर में मैंने क्या था, आंसर क्या आना चाहिए इसका, जीरो। अगर रिमाइंडर जीरो है तो मीन्स फैक्टर है, रिमाइंडर जीरो नहीं तो फैक्टर नहीं है। तो एक्स प्लस वन दिया हुआ है, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू क्या पुट करोगे, माइनस वन। वैल्यू इसमें पुट कर दो, माइनस वन, माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू माइनस वन प्लस रूट टू, एट इट इज सेम एज 2.2 और 2.3 के जैसा ही है। माइनस वन का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस वन माइनस 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 प्लस टू प्लस रूट टू प्लस रूट टू। हियर माइनस वन माइनस वन माइनस टू, इसको खोलोगे प्लस टू रूट टू और प्लस रूट टू। नाउ माइनस टू कट हो गया, रूट टू प्लस रूट टू क्या हो जाएगा, टू रूट टू। हाँ ये क्या आएगा, टू रूट टू। अब इसका फैक्टर है नहीं है, क्या लिखोगे, नो। अगर जीरो होता तो इसका फैक्टर होता, जीरो नहीं है तो इसका फैक्टर भी क्या नहीं है, नहीं है। नाउ नेक्स्ट इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो इज ए नॉट फैक्टर। आपका आंसर मैच हो रहा है, नो इट्स नॉट फैक्टर। कुछ भी कोई भी सम्स करो, पीछे आंसर चेक कर लेना कि आपका राइट है क्या रॉन्ग है। अगर बाय चांस पीछे रॉन्ग आ रहा है तो आप फिर से अपना चेक करोगे। मोस्ट ऑफ बुक्स में मिस्टेक हो सकती है, लेकिन इतनी भी मिस्टेक नहीं होगी, 1% भी मिस्टेक हो सकती है। जैसे उसमें मैंने किया था 27/8 आ रहा है, लेकिन अपना क्या आ रहा था 1/8, तो वहाँ पर मिस्टेक थी, लेकिन यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। एक्स प्लस वन उसमें ये दिया है कि फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ इज नॉट फैक्टर, ओनली वन ही फैक्टर का है। तो जिसका आंसर जीरो है वो फैक्टर है, जिसका आंसर जीरो नहीं है वो फैक्टर नहीं है। नाउ वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, वन का क्यूब वन, टू प्लस टू माइनस वन, ये माइनस वन और इस माइनस वन को क्या कर दोगे आप, प्लस। माइनस और माइनस वन का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस हो जाएगा। वन का क्यूब माइनस माइनस प्लस माइनस टू प्लस टू, फिर माइनस टू प्लस टू कट हो जाएगा टू और रूट टू, प्लस टू माइनस टू कट हो गया रूट टू कितना हो जाएगा, टू रूट टू। टू मत कर देना कि प्लस में दिया हुआ है, जैसे एक्स और एक्स प्लस होता है, एक्स प्लस एक्स तो आप क्या लिखते हो, टू एक्स लिखते हो, और एक्स इंटू एक्स होता है तो आप क्या लिखते हो, एक्स का स्क्वायर। सेम थिंग हियर है, ए एक्स और ए एक्स तो क्या हो जाएगा, टू एक्स, यानी टू इंटू रूट टू। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूज द फैक्टर थ्योरम, डिटरमाइन द जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इच इज द फॉलोइंग केस। इसमें भी सेम है, जी एक्स दिया हुआ है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, पी एक्स दिया हुआ है आपको सेकेंड का फर्स्ट, पी एक्स इक्वल टू टू एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन। जी एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, एक्स प्लस वन, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे फैक्टर्स पूछे हैं, कुछ भी फैक्टर है तो वहाँ पे जी एक्स को क्या लिखोगे, जीरो। तो एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। अब माइनस वन इसके अंदर पुट कर दो, माइनस वन टू इंटू माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू माइनस वन माइनस वन, माइनस वन का क्यूब माइनस माइनस टू माइनस का स्क्वायर प्लस वन माइनस माइनस प्लस टू माइनस वन, माइनस का क्यूब माइनस यानी माइनस टू टू क्या आ जाएगा, टू, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस वन, प्लस माइनस माइनस टू प्लस टू कट हो जाएगा वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब ये देखो आंसर जीरो आ गया। अब इसमें पूछा इज द फैक्टर, तो सो यस
क्या लिखोगे? यस जी एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। वैल्यू नहीं लिखनी है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिखना है, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि जी एक्स पी एक्स का फैक्टर है, अगर वैल्यू जीरो आ रहा है तो यस, अगर वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो क्या लिखोगे? नो। एंड रेस्ट ऑफ टू क्वेश्चन इज द डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एक्स माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, एट इट इज सेम एज है, जब के की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे 2.3 में आपने ए की वैल्यू फाइंड करी थी, सेम एट इट इज। वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड एंड थर्ड करा रही हूँ, फर्स्ट एंड फोर्थ डू योर सेल्फ। सेकेंड दिया एक्स माइनस पी एक्स, क्या दिया हुआ आपको? 2x² प्लस के ए एक्स प्लस रूट टू, और x माइनस वन पे फैक्टर निकालना है। x माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। जिस पे फैक्टर निकालना है उसको क्या लिखोगे? जीरो। तो x इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस वन। पुट द वैल्यू वन टू, वन का स्क्वायर प्लस के वन प्लस रूट टू। अब लो क्या उसने क्या दिया है कि x माइनस वन जो फैक्टर है, इसका फैक्टर है, मतलब पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? जीरो। जिसका फैक्टर है उसकी वैल्यू आपने बताया था मैंने कि पी एक्स इक्वल टू जीरो है, मतलब ये उसका फैक्टर है, ये बताओगे तो यहाँ पे पी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू प्लस के प्लस रूट टू। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू, और रूट टू को दोनों को लेफ्ट साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस टू माइनस रूट टू। आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज अगर मैंने माइनस को बाहर निकाला तो प्लस रूट टू, ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों आंसर इज योर राइट, करेक्ट हो जाएंगे। अगर माइनस को अंदर रखना है तो अंदर रख सकते हो, अगर माइनस को कॉमन निकाल रहे हो तो भी इट इज़ योर आंसर। अंडरस्टूड? फैक्टर दिया हुआ है, यानी एक्स की प्लेस पे पी वन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन एट इट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रही हूँ, फर्स्ट एंड फोर्थ यू डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस वन। एक्स माइनस वन दिया हुआ है इक्वल टू जीरो, फैक्टर दिया हुआ है आपको एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस वन। तो पी वन इक्वल टू के वन का स्क्वायर माइनस टू वन प्लस वन, के का वन का स्क्वायर वन, वन में के का मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा? वन। कोई भी नंबर्स में अल्फ़ाबेट का नंबर करते हो वन से तो आंसर सेम आता है, के माइनस रूट टू प्लस वन। अब ये इसका फैक्टर है, यानी पी वन की वैल्यू क्या लिख दोगे आप? जीरो। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस टू उससे जाएगा प्लस टू, एंड प्लस वन उससे जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस वन। इट्स योर आंसर। अंडरस्टूड? तो टुडे हैज़ कम्प्लीट एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 and 5 टू सॉल्व द नेक्स्ट वीडियो। द टुडे इज योर होमवर्क, सॉल्व एक्सरसाइज 2.3 एंड सॉल्व एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन 1, 2, 3। अंडरस्टूड? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।